मनुष्य का की पहचान उसके कर्मों से होती है। ये माने नहीं रखता कि वो किस जाति, किस धर्म या किस कुल में पैदा हुआ है। आज भगवान परशुराम की जयंती है और इसी उपलक्ष्य में कुछ बातें मैं आज भगवान परशुराम के बारे में अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नंदिनी जो मैं हूँ नंदिनी। आज भगवान परशुराम की जयंती है, इस उपलक्ष्य में पहले तो सभी मित्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। भगवान परशुराम को विष्णु का छठा अवतार कहा गया है और कहते हैं भगवान परशुराम आज भी कलयुग में भी जीवित हैं और अष्ट चिरंजीव में से भगवान परशुराम भी एक हैं। और भगवान राम और भगवान परशुराम दोनों को ही विष्णु अवतार कहा गया है। जहाँ भगवान राम क्षत्रिय कुल में पैदा होने के बाद भी उनका बर्ताव बिल्कुल ब्राह्मणों की तरह था, वहीं पर भगवान परशुराम ब्राह्मण कुल में पैदा होने के बाद भी उनका बर्ताव बिल्कुल क्षत्रियों की तरह था। भगवान परशुराम शिव जी के परम भक्त थे और न्याय के देवता कहा गया है उन्हें। उन्होंने इस 21 बार इस धरती को क्षत्रिय विहीन किया है और उनके इस क्रोध से भगवान गणेश भी नहीं बच पाए हैं। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार एक बार परशुराम भगवान शिव के दर्शन करने कैलाश पर्वत पहुंच गए, लेकिन प्रथम पूज्य शिव पार्वती पुत्र भगवान गणेश जी ने उन्हें मिलने की इजाजत नहीं दी, उनसे मिलने नहीं दिया और इस बात से क्रोधित होकर उन्होंने परशु भगवान गणेश का एक दांत तोड़ दिया। कुछ सैल तो थे ही, उन्हें उनके गुस्से से तो पूरा जग वाकिफ है। तो वो कैलाश पे गए दर्शनों के लिए, तो नहीं उन्होंने मिलने की इजाजत नहीं थी, तो उन्होंने क्रोध में आके जो है भगवान गणेश जी का एक दांत तोड़ दिया और उसी दिन से भगवान गणेश एक दंत कहलाने लगे। और कहा जाता है भगवान परशुराम की पूजा से भय मुक्त हो जाता है इंसान, साहस में वृद्धि होती है। और फिर से एक बार भगवान परशुराम की जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट बॉक्स से लिखेगा, और अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो मेरे शेयर को लाइक शेयर और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में जो घंटी आइकन है इसे प्रेस करना ना भूलें आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए। नमस्कार।